ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। कहा जाता है कि आज के दिन व्रत रखने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस बार मोक्षदा एकादशी की सही तिथि को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा असमंजस्य है, तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2023 में मोक्षदा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, हरिवासर का समय और व्रत पारणा यानी व्रत खोलने के सही समय, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम और महत्व के बारे में। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 दिसंबर शुक्रवार की सुबह 8:16 से और समाप्त होगी 23 दिसंबर शनिवार की सुबह 7:11 पर। तो इस तरह से इस बार दो तिथियों में एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 22 दिसंबर शुक्रवार को जो एकादशी है वो दशमी तिथि युक्त एकादशी रहेगी और इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाएगी। दशमी तिथि एकादशी का व्रत जो है वो सभी गृहस्थ जन रख सकते हैं और जो दूसरे दिन एकादशी है वो 23 दिसंबर शनिवार को। इस दिन द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी है। जितने भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, इस कौन से जुड़े हुए लोग हैं, वो आज के दिन व्रत रखते हैं। अगर आप चाहे तो दोनों ही तिथि में एकादशी का उपवास रख सकते हैं और जब एकादशी का उपवास दो दिन रखा जाएगा तो व्रत पारण का जो दिन है, मुहूर्त है, वह भी अलग अलग समय पर होगा। व्रत रखने वाले भक्तों को एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि व्रत का पारण यानी जब व्रत खोलते हैं उसे व्रत का पारण करना कहते हैं, वो हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि को जब हरि वासर का समय होता है तो उस समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। तो जो लोग दशमी तिथि एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें व्रत पारणा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हरि वासर का समय समाप्त होने के बाद ही आप उपवास खोलें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 दिसंबर शनिवार की सुबह 7:12 से। द्वादशी तिथि प्रारंभ होते ही हरि वासर का समय भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि हरि वासर का समय शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय होता है। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 दिसंबर रविवार की सुबह 6:24 पर। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब जो लोग 22 दिसंबर शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 23 दिसंबर शनिवार की दोपहर 1 बजे से लेकर 1:45 के बीच में अपना उपवास खोलना होगा। ध्यान रखें कि सुबह के समय आप पूजा कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, लेकिन जो भी अन्न या नमक का सेवन करना होता है वो आपको शुभ मुहूर्त में ही करना होता है। इससे पहले आप किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। जो लोग 24 दिसंबर शनिवार को यानी द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें अगले दिन यानी रविवार के दिन व्रत का पारण करना होगा, और क्योंकि सुबह के समय ही त्रयोदशी तिथि भी लग जाएगी तो ऐसे में आप बहुत ही कम समय के अंदर अपना उपवास खोलेंगे, जो कि सुबह 7:10 से 7:45 का समय होगा। उम्मीद है तिथि को लेकर आपके मन में जो भी असमंजस है वो अब दूर हो गया होगा। अब जानिए कि एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है और मोक्षदा एकादशी इतनी खास क्यों होती है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन आप जब व्रत रखें तो आप सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान करें और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन पीले रंग की सामग्री से जरूर करें। भगवान को स्नान कराकर पीला चंदन लगाएं, पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें और पीले रंग के फल या पीली मिठाई का भोग भगवान को आज के दिन लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आप भगवद गीता की पुस्तक का पूजन भी आज के दिन करें, भगवद गीता का पाठ करें और यदि संभव हो तो भगवद गीता की पुस्तकों का दान ऐसे लोगों को करें जो इन पुस्तकों को पढ़ने में समर्थ हो, इन पुस्तक के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा हो। आप मंदिर में भगवद गीता की पुस्तक प्रदान कर सकते हैं। ध्यान रखें, कभी भी अयोग्य व्यक्तियों को धार्मिक पुस्तकों का दान नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसका दोष आपको लग सकता है। सुबह को धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णुवे नमः, या फिर हरे कृष्ण मंत्र का जाप भी
आप सच्चे मन से कर सकते हैं। साथ में माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें, भगवान श्री कृष्ण का पूजन आज के दिन करें, व्रत की कथा पढ़े सुने और संकल्प लेकर अपना व्रत प्रारंभ करें। सुबह को आप केवल फलों का ही भगवान को भोग लगाएं। इसके अलावा आप मेवों का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें। भगवान को आप दोनों ही समय भोग लगाएं और साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से पहले पूजन करें, दान की सामग्रियों का पूजन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य हो, उसके अनुसार मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का दान करें, पीली वस्तुओं का दान करें और व्रत का पारणा तुलसी पत्र और जल से ही आप करें, सबसे शुभ माना जाता है। जो लोग व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र मुख में रखते हैं, उनके सभी पाप का नाश हो जाता है और उनका व्रत भी भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। तुलसी पत्र के अलावा आप भगवान विष्णु को बेर आंवले भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल राम राम जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।